Behavioral disorders uh, behavioral disorders are also known as externalizing behavior When we are saying externalizing behavior that mean that children exhibit these behaviors in a form of outward behaviors, and when we are saying behavioral problems that mean that children are exhibiting disruptive behaviors which negatively influence their environment and which may cause problem at the home. और स्कूल और इन देयर सोशल सिचुएशन तो अगर आप इसको आसान लफ्जों में समझना चाहो तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जो के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो करते हैं अपने घर के अंदर स्कूल के अंदर उन बच्चों को हम क्लासीफाई करते हैं अंडर द बिहेवियर डिसऑर्डर्स बिहेवियर डिसऑर्डर्स में आमतौर पर क्लासीफाई उन बिहेवियर्स को किया जाता है जो कि ऑब्जर्वेबल हों और जो कि इन्वामेंट को अफेक्ट कर रहे हों अब जब इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने की बात आती है तो कौन से डिसऑर्डर्स ऐसे हैं विच वी क्लासीफाई अंडर द हेडिंग ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर्स उनमें तीन बिहेवियल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि कैटेगराइज किए जाते हैं नंबर वन ए नंबर टू अपोजिशनल डेफियन डिसऑर्डर नंबर थ्री कंडक्ट डिसडर जब हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो इतना हाइपर एक्टिव है और उसकी इन अटेंशन इतनी ज़्यादा है कि वो अपने इन्वामेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहा वो चूंकि इन्वायरमेंट में आराम से बैठ नहीं सक रहा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्कूल सेटिंग है तो वो वहाँ पर ऑन सीट बिहेवियर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से उसका इन्वायरमेंट जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो रहा है इसी तरह अगर वो इम्पलसिव है तो अपनी इम्पल्सिविटी की वजह से वो फिजिटिंग इतनी ज़्यादा करेगा अपने इन्वायरमेंट में और किसी भी चीज़ को उसकी जगह पर नहीं रहने देगा जिसकी वजह से उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट होगा ये प्रॉब्लम ऐसा है जिसकी वजह से बच्चे के साथ साथ उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब इफेक्ट होना शुरू होता है तो वो कॉज करता है डिस्ट्रेस को इसलिए इसको एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम्स uh, भी कहा जाता है या एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी क्लासिफाई किया जाता है इसी तरह जब हम सेकेंड डिसऑर्डर uh, की बात करते हैं दैट इज़ द अपोजिशनल डेफिट डिसऑर्डर ओ तो इसके अंदर जो बच्चे का बिहेवियर होता है वो मैनिफेस्ट होता है इन फॉर्म ऑफ हॉस्टैलिटी आर्गोमेंटेशन एंड इरिटेबिलिटी अब जो उसकी हॉस्टैलिटी है दैट माइट बी एग्जबिट टू वर्ड्स द पेरेंट्स टू वर्ड्स द अथॉरिटी फिगर टू वर्ड्स दब्लेंग द पियर सो इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चे हैं वो किसी भी सेटिंग में हॉस्टाइल हो सकते हैं किसी भी सेटिंग में डेफिएंट हो सकते हैं यानी उनका डिसोबिंग बिहेवियर या आर्गोमेंटेशन जो है वो विद पेरेंट्स और विद अथॉरिटी फिगर दैट माइट बी द टीचर जो है वो एग्जिबिट हो सकती है ऐसे बच्चे जो हैं वो किसी हद तक इरिटेबल होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा भी कर लेते हैं और इरीटेबल यानी इरीटेट जो है वो बहुत ईजीली हो जाते हैं किसी छोटी सी बात के ऊपर जिसकी वजह से उनके एंगर आउटब्रस्ट भी ऑब्जर्व uh, होते हैं अब उनका ये जो सारा बिहेवियर है अगेन ये इफेक्ट करा है उनके एक्सटर्नल इन्वामेंट को नेगेटिवली एंड देन द थर्ड इज़ द कंडक्ट डिसऑर्डर कंडक्ट डिसऑर्डर एक्चुअली एक सीक्वेंस uh, है ऑपोजिशनल डेफियन डिसऑर्डर का ऐसे बच्चे जिनको ऑपोजिशनल डेफियन डिसऑर्डर होता है बिफोर एज एटीन वो बहुत हद तक चांसेस हैं कि उनको कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है वन दे विल बी इन देअर एडल्टड लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है ये ज़रूरी नहीं है देर आर केसेस के जहाँ ओ डी डी रिकवर हो जाता है ड्यूरिंग एडोलसन टाइम पीरियड अब कंडक्ट डिसडर बेसिकली क्या है कंडक्ट डिसडर एक स्वेयर फॉर्म है ओ डी डी की ओडीडी की स्वेयर फॉर्म कैसे है कि इसके अंदर बच्चा जो है वो स्वेयर एग्रेशन और स्वेयर एंगर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है अब स्वेयर एंगर या स्वेयर एग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि जो बच्चा है वो किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है वो किसी शख्स को नुकसान पहुंचा सकता है यानी इंजरी कॉज कर सकता है और ऐसे ही बच्चे होते हैं जो कि किसी की प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर देते हैं और सिर्फ प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करते वो कहीं पर आग भी लगा सकते हैं तो इस किस्म की जो बिहेवियर है जो कि डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं और जो एक्सटर्नल इन्वामेंट को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर्स कंडक्ट डिसऑर्डर्स जो है आ, इसी की लेटर फॉर्म जो है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी बन जाती है और ये वो एडल्ट्स होते हैं जिनके अंदर बचपन में ओडीडी या सीडी यानी कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो देखने में आता है